नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और पब्लिक की सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं कि पब्लिक का क्या कहना है, क्या है असली सच, डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का हमारे साथ सुमन जी हैं जो 10 सालों से डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं। सुमन जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सुमन जी, 10 सालों से आप आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में, कैसा माहौल लगता है आपको? बिल्कुल नॉर्मल, जैसे सत्संग का होना चाहिए, सत्संग का होना चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा कैसी रहती है आश्रम? बहुत सुरक्षित है लड़कियां वहाँ पे जाके। गुरुजी ने हर बेटी बना रखा है उनको। कभी भी अलग तरीके का माहौल महसूस किया हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है? नहीं, हमें कुछ गलत नहीं लगा वहाँ पे जाते हुए, हमें 10 साल हो गए जाते हुए। जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका आरोप? बिल्कुल गलत है, सोची समझी साजिश ही है उनके खिलाफ। क्यों गलत आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर? अब लोगों की सोच को हम तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन बदलनी पड़ेगी उनको। जो वहाँ जाके देखें, इनको गलत लगते हैं, वो आए डेरे में देखें, लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं होता। सबसे ज्यादा सुरक्षित लड़कियां डेरा सच्चा सौदा में। गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर बहुत ही अच्छा है और वो हमारे लिए भगवान है। ऐसा क्या देखा है आपने जो आप उनको भगवान कहते हो? ऐसा क्या नहीं है जो उनमें है? हमने उनमें ऐसा रूप देखा है जो हम कुछ नहीं थे, घर में हमारे कुछ नहीं था। जब से वहाँ से जुड़े हैं, मालिक की ऐसी रहमत है, हमें हर चीज, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोगों के द्वारा तो अंधभगत बोला जा रहा था यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं आते, क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को, क्या जवाब देना चाहोगे? ये तो वहाँ जाने पे ही होता है ना, कि हमें वहाँ जाके पता चला कि क्या है हमारे गुरु जी। जब से हम वहाँ से जुड़ी हूँ, तब से मैंने देखा है उनको भगवान के रूप में ही देखा है। गुरु जी ने समाज के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। 134 में मानवता भलाई के कार्य किए उन्होंने और वो अभी तक भी चल रहे हैं। उनके जाने के बाद भी वहाँ से भी हमें यही होता है कि हम लगन से सबकी सेवा करते हैं, जाके सफाई अभियान में भी जाते हैं, सब जगह ही अच्छे कार्य चल रहे हैं। मानवता भलाई के जो भी कार्य हैं अच्छे तरह से चल रहे हैं, आज भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? बिल्कुल ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है उनकी। वो आएंगे तो ही सब कुछ, सारा सिस्टम एकदम से ठीक हो जाएगा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो यही कहना चाहूँगी सरकार से कि हमारे गुरुजी ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमन जी। जो हमारे साथ लगातार लेडीज़ जुड़ रही हैं, हाउस वाइफ हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका यही कहना है कि निर्दोष हैं सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, ऐसा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर सच क्या है, ये आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।